मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्षेत्र नीति में सम आकृतियों का परिमाप करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आयत का परिमाप किया था। आयत का परिमाप बराबर दो गुना लंबाई जमा चौड़ाई हमने की थी। आज हम करेंगे सम आकृतियों का परिमाप। सम आकृतियां होती क्या है? सम से ही पता चलता है बराबर। क्या चीज बराबर? आकृतियों में क्या होता है? भुजाएं होती है और कोण होते हैं। दोनों चीजें बराबर हो उन आकृतियों को हम सम आकृतियां कहते हैं। अब सबसे पहले हम चार भुजाओं का, तीन भुजाओं का, पांच भुजाओं का, छह भुजाओं का कोई भी सम आकृति है, हम उसका परिमाप निकालेंगे। हम सब जानते हैं कि ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं वर्ग। जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका परिमाप क्या होगा? मान लो ये 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। एक भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये सारी की सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर होगी। तो इसका परिमाप क्या होगा? 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 यानी बराबर 12 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्षम सेंटीमीटर में है तो इसको हम बार बार जमा करें, इसके बजाय हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 यानी 4 ये 12। इसको 4 बार जोड़ा है या 4 से 1 बार गुना कर दें 3 को, तो हमारे पास क्या बनेगा? 4 गुना भुजा। क्या तो परिमाप का फॉर्मूला क्या आ गया? परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। यानी लिखते हैं वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। अब उसे एक भुजा पता चल जाए, मान लो भुजा 3 सेंटीमीटर की जाए 2 सेंटीमीटर हो जाती है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? 4 गुना भुजा यानी 4 गुना 2 8 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अब अगर जो वर्ग की जगह पर समबाहु त्रिभुज आ जाए, त्रिभुज में आ जाए, त्रिभुज में इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। अगर हमारे पास इसकी बजाय आ जाता है त्रिभुज में आ जाता है, त्रिभुज में नाम हो जाएगा सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण बराबर हैं। हमें यहाँ पर भुजाओं से परिमाप करना है, भुजाओं से बात कर रहे हैं, तो हमारे समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है इसका? समबाहु त्रिभुज। इसमें अगर एक भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर है, इसका नहीं ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है तो कोण भी इसके बराबर। कोणों की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ भुजाओं की बात कर रहे हैं। तो परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या आएगा? 6 जमा 6 जमा 6 एंड टू एंड चलेंगे, जहां पे स्टार्ट करा उसकी यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक हम सारा जोड़ा तो 6 दिए 18 क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लेंगे 18 सेंटीमीटर। या इसको 3 बार जोड़ा बजाय इसके हम एक ही बार जोड़ लें, तो आपके पास है एक बार लिया और उसको 3 से गुना कर दो, तो आपका मतलब क्या हुआ? 3 गुना 6 भी तो हमारा 18 ही हुआ। एक ही बात है, यानी फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला है 3 गुना ये कैसी भुजा, 3 गुना भुजा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 3 गुना भुजा। अब समबाहु त्रिभुज के बजाय सम पंचभुज आ जाता है, तो सम पंचभुज में क्या है? सम पंचभुज जब वहां पर सम लग गया आगे, इसका मतलब उसकी आकृति में सभी भुजाएं बराबर हैं। तो आपका से मान लो इसकी एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो आपका या 6 सेंटीमीटर है इसकी एक भुजा, तो इसका परिमाप क्या होगा? सम पंचभुज का परिमाप क्या होगा? वही जैसे आपका वर्ग का करा था 4 गुना भुजा, उसकी 4 भुजाएं थी। समबाहु त्रिभुज का करा 3 गुना भुजा, इसमें सम पंचभुज है तो 5 गुना भुजा इसका फॉर्मूला बन जाएगा 5 गुना भुजा। अब जो भी इसकी भुजा का माप होगा तो हमारे पास उतनी भुजा से बस गुना करना है। अब सम अष्टभुज का, अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, तो उसका क्या परिमाप फॉर्मूला होगा? 8 गुना भुजा। इसका मतलब कोई भी अगर जिस आकृति में समान है भुजाएं और कोण, तो भुजाओं का परिमाप भुजाओं से निकलता है परिमाप, तो उस आकृति का परिमाप क्या होगा? जितनी भुजाएं हैं उसको गुणा कर दो एक भुजा से। 4 भुजाएं हैं जैसे वर्ग की 4 भुजाएं हैं, 4 को गुणा कर दिया एक भुजा से 4 गुना भुजा, और समबाहु त्रिभुज है 3 गुना भुजा, और पंचभुज है तो 5 गुना भुजा।
और अष्टभुज है तो 8 गुना भुजा, सप्तभुज है तो 7 गुना भुजा आपके पास। लेकिन सम होनी चाहिए आकृति। अगर आकृति सम नहीं है, मतलब त्रिभुज जैसे समबाहु त्रिभुज समबाहु की विषमबाहु भी हो सकता है, तो हम उसी तरह से सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, जोड़ करके हमारे पास जो निकलेगा वही परिमाप होगा। नेक्स्ट वीडियो में सम आकृतियों का परिमाप पर आधारित प्रश्न करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।